इस्माइल भैया और करीम दाद में दो चीजें सांझी हैं, उनकी गहरी दोस्ती और समंदर से उनका गहरा रिश्ता, जहां वो 10 साल की उम्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन अब किस्मत इस्माइल का साथ नहीं दे रही, उनकी अपनी कश्ती टूट चुकी है, कारोबार ठप है और वो अपने दोस्त की कश्ती में माहीगीरी करते हैं। महदूद आमदन पेट्रोल, जाल और कर्जे चुकाने में खर्च होती है। मौजूदा हालात में नई कश्ती का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। पहले रोजगार के कम में किश्ती टूट गया, हालात तो कम है, पैसा नहीं है, किधर किश्ती बनेगा? किश्ती नहीं बनेगा। हम 200-300 रुपए कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा समंदर को। तो पाकिस्तान सरदार ने ये पोर्ट बना हुआ है तो बोलते हैं हम पोर्ट का जागा है, तुम्हारा जागा नहीं है, फिर हम क्या करें? लड़ाई उसका साथ तो हम नहीं करते, वो अपने बात से हटाता है, हम हटता है। गवादर पोर्ट से जुड़े तरक्की और सरमायादाराना निजाम के जाल में छोटे माहीगीर बुरी तरह फंस रहे हैं। माहीगीरी यहाँ का रवायती काम है, जो 80% आबादी नस्ल दर नस्ल करती आ रही है। यहाँ के तमाम कारोबार इसी से मुंसलिक हैं। लेकिन ये पट्टी जहाँ पोर्ट की तौसी हो रही है, माहीगीरों की मरकजी शिकारगाह थी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं जा सकते। रवायती माहीगीरों का कहना है कि आने वाले दिनों में ये सिर्फ बड़ी मछलियों का तालाब बन जाएगा। तब्दीली इस तरह होगी कि अभी ये आजाद है, खुद मुख्तियार है, अपने समंदर में खुद जाके शिकार करते हैं, खुद अपना बच्चों के पेल पाड़ते हैं। फिर इस तरह एक दिन आएगा कि अगर इसको माहीगीरी करना है तो बड़े ताजिर की लांचों में जाए, उसकी गुलामी करना, यानी अगर तरक्की आ गया तो इसकी आजादी चला गया, इसको गुलामी करने के मजबूर हो गया। लहरों के उतार चढ़ाव पर इन माहीगीरों की जिंदगियों का दारोमदार है, लेकिन जैसे जैसे पोर्ट के लिए इलाका फैलता जा रहा है, इन माहीगीरों की कश्तियों के लिए इस समंदर में जगह मजीद सुकड़ती जा रही है। हुकूमत का कहना है कि मुतबादल रास्ते हैं, लेकिन इनके लिए मुतबादल जेटीज 12 साल से तामीर ही हो रही हैं, कभी मुकम्मल नहीं हो पाए। फंड की जो है, फंड कुछ जो है बैरूनी जो है फंड मिलते हैं या अपने मुल्क की जो है पीएसडीपी के तहत मिलते हैं, उनके मुताबिक जो है काम तो जारी है। सर तो पड़ा है बिल्कुल, ये उनकी जो है बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी शिकारगाहें जो है यही पोर्ट एरिया में थी, मगर इस तरफ से अगर एक तरफ से उनको जो है कुछ वक्ती तौर पर